सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी ये फिल्मी मिस्टेक्स हैं, ना कि कोई पर्सनल मिस्टेक्स। तो चिल की गोली लेकर इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते देखनी है तो फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी वीडियो ना देखने की मिस्टेक आप न करना। तो फिर शुरू करते हैं। फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। ओ टाइगर जिंदादी मिस्टेक वेखांगे नाल बैके, वीडियो नू शेयर करके, वीडियो नू मारो लाइक, वीडियो नू मारो कमेंट, इस वीडियो नू शेयर भी कर दो। अब टाइगर जिंदा है और भेड़ियों से पंगे ले रहा है, और जब ये उल्टबाजी मारता है तो इसके साथ ये भेड़िये भी उड़ रहे होते हैं, पर जब कैमरा सामने आता है तो भेड़िये गायब हो जाते हैं। जादू अभी नहीं, पर जब टाइगर नीचे आ रहा था तो इस एंगल से देखे तो यहाँ बर्फ ही बर्फ है, पर जब नीचे आ जाता है तो ये पेड़ आ जाता है जो पहले था ही नहीं। जादू। खैर ये तो हो गई फिल्म की बात जो मुझे सिनेमा में नजर आया, पर जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो ट्रेलर में तो जब टाइगर उल्टबाजी मार रहा होता है तो इसके आजू बाजू तो वो भेड़िये होते ही नहीं है, और जब नीचे आता है तो पीछे वाला पेड़ भी नहीं होता जो मूवी में था। इस सीन में टाइगर उन भेड़ियों को मारने के लिए ये कुल्हाड़े उठा रहा है, पर अगर हम गौर करें तो टाइगर अकेला नहीं, क्योंकि ये किसी के साफ साफ पैर नजर आ रहे हैं। फिर भी इसके बाद टाइगर अकेला ही फिर रहा होता है, और यहाँ ये भेड़िया टाइगर के इतने पास आ गया है फिर भी ये सामने ही देख रहा है, जैसे इसे भेड़िया नजर ही नहीं आया, पर फिर भी ये इसे मार देता है। अबे यार यहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है, और इस सैनिक को देखो ऐसे खड़ा जैसे अपने घर की खिड़की में खड़ा हो, और जैसे ये लोग बैठे हैं कितने आराम से बैठ के गोलियां चला रहे हैं, और जब ये टेररिस्ट हेलीकॉप्टर पर रॉकेट चलाता है तो ये दोनों फिर भी आराम से ही बैठे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर गिर रहा होता है तब भी ये वैसे ही बैठे होते हैं। अबे यार इतना बड़ा अटैक हुआ है, इन्होंने क्या अपने पिछवाड़े पर फोविकॉल लगाई थी तो जरा सा भी नहीं हिले, इन्हें तो उड़ के बाहर गिरना चाहिए था जब रॉकेट लगा, और हेलीकॉप्टर के दुम पर रॉकेट लगा और वो थोड़ा सा भी नहीं टूटा। अब इस सीन में मिस्टेक कहाँ है ये आप बताओगे? मैं आपको 10 मिनट सेकंड देता हूँ मिस्टेक ढूंढने के लिए, देखते हैं कि आप फिल्म सिंस जैसा काम कर सकते हो। मिली चलो, जैसे मिल गई मुबारक हो, आपको मिलता है गैलेक्सी नोट 10। अबे वो वाला नहीं, मेरा मतलब है गैलेक्सी नोट 10, समझे? चिल मारो। और जिसे नहीं पता चला उसे मैं बता देता हूँ कि जोया यहाँ पर है, और ये मोमबत्तियों वाला लैंप यहाँ पर है, और जब ये डोरी टूटती है तो ये डब्बा खुलता है और उसमें से ग्लिटर गिर रहा होता है जो बिल्कुल उस लैंप के पास से जा रहा है, और उसके नीचे जोया भी आ जाती है। जोया तो ऊपर थी तो एकदम यहाँ लैम्प के नीचे कैसे आ गई, और ये डब्बा उस लैम्प के बिल्कुल साथ है, पर जैसे कैमरा दूर से दिखाता है तो ऊपर तो कोई डब्बा ही नहीं होता। फिर से जादू। इस सीन में टाइगर जब ये स्टूल उठाकर मारता है तो इस बिल्डिंग का साया यहाँ तक है, पर जब इस चिटकुट को स्टूल लगता है तो देखो कितना थोड़ा सा रह गया, और जब ये चिटकुट गिरता है तो साया तो गायब ही हो जाता है, मतलब सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया। यार क्या टाइम तेज चल रहा है, ये दोनों हद से ज्यादा स्लो मोशन में लड़ रहे हैं, क्या सुबह से दोपहर हो गई? और जब इसको स्टूल मारता है तो अगर हम गौर करें तो इसको तो स्टूल लगा ही नहीं, बल्कि इसकी बाइक को लगा, फिर भी ये चिटकुट गिर जाता है। और जब स्टूल लगता है तो इसका बैकग्राउंड देखो, यहाँ दो बड़े दरवाजे हैं, पर जब ये गिरता है तो यहाँ सिर्फ एक दरवाजा रह जाता है, और अभी स्टूल लगा ये बाइक को और दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं, पर जब कैमरा दूर से एंगल लेता है तो स्टूल तो पहले से ही नीचे पड़ा होता है और ये चिटकुट अभी भी गिर रहा होता है। अब यार क्या मतलब हो क्या रहा है, ये जगह कहीं बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं जो कभी कुछ गायब हो जाता है कभी कुछ? इस सीन में सुबह हुई है और टाइगर जोया के लिए नाश्ता बना रहा है, हाउ रोमांटिक ना, पर जरा आप टाइम देखो 12:35 हो रहे हैं, क्योंकि छोटी सुई एक पर जा रही है और बड़ी नीचे है तो यही टाइम हुआ ना। तो यार टाइगर की भी सुबह क्या मेरी तरह दोपहर को होती है? इस सीन में चिटकुट लोग इधर खड़े हैं और टाइगर है कार की दूसरी तरफ और वहां से गोलियां चला रहा है, ये चिटकुट तो इधर है तो इनको उसकी गोलियां कैसे लग रही हैं? एक्सप्लेन अस प्लीज। और अभी गाड़ी हवा में ही होती है तो वो नीचे से गायब भी हो जाते हैं। इस सीन में टाइगर और ये बंदा इस दरवाजे के सामने खड़े हैं, पर जब ये रॉकेट चलाता है तो ये लोग वहीं हैं, पर जब रॉकेट इस दरवाजे पर लगता है तो एकदम ये वहां से यहां भी पहुंच जाते हैं। अब रॉकेट ने क्या हवा में ब्रेकें लगाई थी जो ये लोग वहां से यहां भी चले गए, और वो भी 1 सेकंड से भी कम के टाइम में, आखिर ये इन्होंने किया कैसे? दया पता लगाओ दया। इस सीन में टाइगर अन्यवा गोलियां चला रहा है क्योंकि देख इधर रहा है और गोलियां कहीं और चल रही हैं। अब खुद देख लो इतने टेररिस्ट मर भी गए हैं फिर भी ये गोलियां चलाई जा रहा है। इस सीन में अगर हम गौर करें तो
टाइगर की आंखें बंद है जब गोली चलाई, तो इसका मतलब वाकई ब्लाइंडली गोलियां चलाता है कि अगर गोली लग रही हुई तो लग जाएगी। इस सीन में टाइगर के पीछे एक बंदा और उसका कुत्ता जा रहा है, पर लग ऐसे रहे कि वो जा रहे हैं, पर अगर हम गौर करें तो वो हिल भी नहीं रहे। मतलब इन्होंने बैकग्राउंड में पिक्चर लगाई हुई है, क्योंकि टाइगर मूव कर रहा है लेकिन उनके पीछे जरा सा भी मोशन नहीं है। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल। और अगर आपने इस वीडियो को डिसलाइक किया तो हर डिसलाइक करने वाले को ऐसी लड़की मिलनी है शादी के लिए। अबे क्या पीस है, अभी डिसलाइक करो इसकी वीडियो। अरे रुको, इसका असल चेहरा तो देख लो भाई, ये तो फिर भी चाइनीज अंडा है, तो क्यूट लग रहा है। तुम्हारा तो देसी अंडा होना है, और उसे देख कर तो तुम्हारी चीखें ना निकली ना तो फिर कहना।